वीडियो पे करो ना। क्या प्रोग्राम है, क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? अच्छा, पहले हम रिएक्ट से शुरू करेंगे, बेसिक रिएक्ट से, और क्लास एंड में, क्योंकि काफी लोग हैं, कुछ हैं जो रिडक्स की भी आवाज लगा रहे हैं, तो हम रिएक्ट पढ़ेंगे और आखिर में आधा घंटा जो है वो रिडक्स पे आके जो है ना रिडक्स को भी थोड़ा, तो ताकि हर क्लास में हम रिएक्ट पूरी लेके चल रहे हैं और रिडक्स भी साथ साथ लेके चल रहे हैं, क्योंकि रिडक्स में लग रहा है बहुत सारे लोग डर रहे हैं। अच्छा जी, तो आप रेडी हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। सही। अच्छा जी, तो हमने क्या किया है कि लाइट तो हमारी बंद है, ये हमारी रिएक्ट का वो है, फोकस कर रहे हैं स्लाइड बंद करके ना सारा कि किस तरह हम होगी। अच्छा जीशान भाई ना जब रिएक्ट करते हैं ना तो वो सीएलआई के थ्रू करते हैं। अच्छा सीएलआई क्या चीज है? बेसिकली आप लोग जब भी रिएक्ट अभी तक कर रहे हैं, जितने भी डायरेक्ट यूआरएल इंटीग्रेट करके एचटीएमएल पेज में कर रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम यह है कि जब आपको बिल्ड पैकेज बनाना होगा, प्रोडक्शन एप्लीकेशन बनानी होगी, फायरबेस पे डिप्लॉय करना होगा, तो उसके लिए आपको एक बिल्ड पैकेज यूज करना पड़ता है वेब पैक के नाम से, ठीक है? वो करना पड़ता है, उसकी सारी इंप्लीमेंटेशन कॉन्फ़िगरेशन सब आपको खुद करनी पड़ेगी। सीएलआई रिएक्ट का हो, एंगुलर का हो, वो क्या करता है, वो एक पैकेजिंग टूल है, पूरा एक प्रोजेक्ट जो है ना आपको क्रिएट करके दे देता है, बॉयलर प्लेट क्रिएट करके आपको दे देता है, एक प्रोजेक्ट आपको खड़ा करके दे देता है, बेसिक चीजें होती है उसके अंदर। लेकिन उसका बेनिफिट क्या है, उसमें वेब पैक की पहले से कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई होती है, सारी प्रोजेक्ट की बिल्ड कैसे करना है, प्रोजेक्ट को रन कैसे करना है, सारी सेटिंग पहले से हुई हुई होती है। आपको अगर फायरबेस पे भी डिप्लॉय करना होगा तो फायरबेस की डिप्लॉयमेंट का तरीकेकार देखा, कोई नया बिल्ड पैक वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, सारी सेटिंग उसने पहले से करके रखी हुई है। तो सीएलआई का यह फायदा है कि आप सिर्फ इसकी जो कमांड लाइन टूल है उससे आप कहेंगे क्रिएट प्रोजेक्ट, क्रिएट रिएक्ट ऐप, और अपने प्रोजेक्ट का नाम देंगे, वो एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा और उसमें कुछ बेसिक फाइल्स बनाकर आपको प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बेसिक दे देगा। आप सिर्फ करेंगे स्टार्ट, एनपीएम स्टार्ट करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, पहला बेसिक प्रोजेक्ट डायरेक्ट खड़ा हो जाएगा, उसमें रिएक्ट भी कॉन्फिगर हुई हुई होगी, रिएक्ट के जो टूल्स हैं वो भी कॉन्फिगर हुए होंगे, बेसिक एचटीएमएल और पूरा वो प्रोजेक्ट आपको खड़ा कर देगा और आप वहां से आगे लेके चलेंगे बिल्ड वगैरह की। नहीं राउटर, नहीं राउटर के नहीं करता वो, राउटर को आपको खुद कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। अच्छा जी शुरू करें? जी बिल्कुल। अच्छा वहां पे वो कर दें, उसमें वो शिफ्ट कर दें। जी जी। अच्छा रिएक्ट सीएलआई के लिए अगर आप रिएक्ट की जो इंस्ट्रक्शन है, रिएक्ट की जो वेबसाइट है वहां पे जाके अगर आप चेक करेंगे ना, तो इंस्टॉलेशन में आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, मेन आपकी जो कमांड है सबसे पहले रिएक्ट की सीएलआई इंस्टॉल होनी चाहिए, npm install minus g create react app। तो ये रिएक्ट की बेसिक ऐप बनाने का जो बॉयलर प्लेट बनाने के लिए जो आपको npm का मॉड्यूल चाहिए ये वो है, इसको ग्लोबली इंस्टॉल कर ले ताकि आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में कहीं भी खड़े होकर रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना सके। अच्छा माइनस जी क्या करेगा? ग्लोबली इंस्टॉल कर देगा सब जगह, वो पीछे कर जाएगा, हर जगह इस्तेमाल हो चुके। अच्छा तो आपने ये कर लिया, फिर क्या किया? अच्छा जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर आपने क्या करना है, अब आप रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, तो आप लिखेंगे क्रिएट रिएक्ट ऐप, रिएक्ट ऐप हो गया, और अपने पैकेज उसका प्रोजेक्ट का नाम, मैंने हेलो वर्ल्ड लिया, मैं हेलो वर्ल्ड दिया हुआ है, आप जो भी नाम देना चाहें, वो जब नाम देंगे तो ये क्या करेगा, सारी डिपेंडेंसीज npm मॉड्यूल सब कुछ इंस्टॉल करके एक बेसिक प्रोजेक्ट बनाएगा, उसमें थोड़ी देर लगती है, 2-4 मिनट तक वो सेटअप करता रहता है। एक बार वो बना के रख लें, अगली बार वो उसको कॉपी पेस्ट करते रहिएगा क्योंकि सब कुछ उसमें मौजूद होता है, ठीक है? तो अभी अगर ये हो सकता है कि ये लाइट खुल जाए ना, तो ये इसकी एक खुल जाए कोई, तो ये इसका वीडियो अच्छा रिसेप्शन आ जाएगा जो लोग देख रहे हैं। जी ये कर दिया आपने, तो ये बेसिकली थोड़ी सी इंस्टॉलेशन करेगा और एक प्रोजेक्ट बनाकर रख देगा, जहां भी आपने प्रोजेक्ट बनाया होगा उसमें, जैसे मैंने सैलानी प्रोजेक्ट्स में डेमो फर्स्ट के नाम से बनाया है, उसमें देखें ये npm मॉड्यूल पब्लिक src पूरा एक प्रोजेक्ट बना के रख दिया है। अगर आप उसको कोड स्टूडियो में ओपन करेंगे तो ये आपको सारा नजर आ रहा है, नोड मॉड्यूल सारे इंस्टॉल कर दिए उसने,
ठीक है, बेसिक के लिए जो चाहिए, एक पब्लिक का फोल्डर बना दिया, उसमें आपकी बेसिक एचटीएमएल रख दी, डेव रूट बना दिया जो हम बनाते हैं, ये भी इसने बना के रख दिया। फिर एक एसआरसी का फोल्डर बना दिया, उस एसआरसी के फोल्डर में app.js वो मेन उसने जो है कंपोनेंट से एक्सटेंड करके एक बेसिक स्ट्रक्चर बना के रख दिया। फिर app.cs टेस्ट फाइल बना के रख दी, index.cs index.js। आपकी जो एप्लीकेशन मेनली स्टार्ट होती है वो index.js से स्टार्ट होती है, तो इसमें इसने इंपोर्ट रिएक्ट, रिएक्ट डॉम और ऐप, आपका जो ऐप का जो मॉड्यूल है वो, और रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर और ऐप को एज अ कंपोनेंट बनाकर इसने रूट फाइल पैकेज में, रूट जो इंडेक्स फाइल में दिया हुआ था ये, इसमें वो लोड कर दे। जी ऐप, अब वो टेस्टिंग के लिए होती है ना, टेस्ट मॉड्यूल के लिए, जब हम टेस्ट पढ़ेंगे, टेस्ट पढ़ेंगे ना क्या टेस्ट किस तरह बनाए जाते हैं, तो उसके लिए ही होती है। अभी हमें जरूरत नहीं है, अभी हम टेस्टिंग नहीं पढ़ रहे, पहले हम रिएक्ट तो पढ़ लेना, तो रिएक्ट कर लेंगे तो फिर रिएक्ट के टेस्ट किस तरह बनाए जाते हैं, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन हो उसके जब तक आप टेस्ट केसेस ना लिखें वो ऑटोमेटेड टेस्ट नहीं हो सकती, उसके लिए होता है ये, ठीक है। तो जब भी आप करेंगे, अच्छा दूसरी चीज, इसने पैकेज जेसन बना के रख दिया आपको। अब आपने जब भी एप्लीकेशन चलानी है आपने सिर्फ कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके लिखना है npm start। अभी मैंने सिर्फ क्रिएट रिएक्ट ऐप हेलो वर्ल्ड लिखा है, इसने डाउनलोड किया सब कुछ और मैं लिख रहा हूँ npm start। अच्छा npm start कैसे चल रहा है ये, आप package.json लिखाइए। हाँ, package.json में ये स्क्रिप्ट का टैग लगा हुआ है स्टार्ट का, जब ये चलता है तो रिएक्ट स्क्रिप्ट का मॉड्यूल ये चलाता है जो कि डाउनलोड हुआ हुआ है, और वो स्टार्ट का वो बिल्ड चला देता है, तो वो अब पैकेज को खुद बिल्ड करके इसकी बिल्ड बनाकर, तो जादू नहीं है ये, जादू नहीं है ये, बल्कि वहां से चल रहा है, कहां से, पैकेजेशन से, पैकेजेशन से चल रहा है। अच्छा, इसका बेनिफिट यही है कि अब आपको बिल्ड बनाने के लिए और कुछ भी करने के लिए खुद कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, प्रोडक्शन रेडी है आपकी, डायरेक्ट बन जाएगी। नीचे देखिए बिल्ड की कमांड है, आप लिखेंगे npm run build, ये आपके बिल्ड का फोल्डर बना के दे देगा, उसमें आपकी जो है concatenated फाइल जो है बिल्कुल आप वो आपके पास मौजूद होगी, सारी फाइल्स concatenate करके रख देगा, तो आपको प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन भी एक मिनट में हो जाएगी, डिप्लॉयमेंट के लिए फॉरन रेडी हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन React CLI के थ्रू अगर आप करते हैं तो। क्लियर है ये चीज? अच्छा अच्छा, इस स्ट्रक्चर को समझने में कोई कंफ्यूजन है, क्या कर रहा है, एक HTML का पेज है जिसमें आपका रूट नजर आ रहा होगा, बेसिक यही है। फिर जहां से आपकी एप्लीकेशन चलेगी वो कौन सा होगा, index.js। index.js में React Render, React DOM.Render ऐप का टैग बनाया है, ये कहां से आया और उसको रूट में लगा दिया कि जो है ना रूट में पहला एलिमेंट ये लोड होना है, ये ऐप का टैग कहां से आया, ये जो है हमने .app से इंपोर्ट किया है कुछ, वो क्या है, वो ऐप का कंपोनेंट हमने इंपोर्ट किया है, उस पे आ जाते हैं, app.js पे आ जाते हैं, ये मेनली ये कंपोनेंट है। इसने क्या किया, इंपोर्ट रिएक्ट कंपोनेंट फ्रॉम रिएक्ट लोगो, क्योंकि वो छोटी सी एप्लीकेशन बना रहा है, और इंपोर्ट css, ये css की फाइल है, ठीक है, इसने बेसिक स्ट्रक्चर आपको ये बना के दिया हुआ है। अच्छा, इसमें देखें क्लास ऐप एक्सटेंड कंपोनेंट, कर्ली ब्रैकेट यहां पे क्लोज हो रहे हैं, अंदर का कोड हम बाद में देखेंगे, ये हो गया, और आपने इसको एक्सपोर्ट किया एक्सपोर्ट्स डिफॉल्ट ऐप, तो ये कंपोनेंट एक्सपोर्ट हो रहा है जो कि हमें मिल रहा है index.js में, और इसको हम टैग बनाकर यूटिलाइज कर रहे हैं। कंफ्यूजन कोई तो नहीं है? app.js में क्या है, रेंडर का फंक्शन, मेनली एक रेंडर का फंक्शन होता है, और उसमें आप HTML लिख रहे होते हैं। अभी मैं सिर्फ npm स्टार्ट किया, एग्जिस्टिंग जो चल रहा है वो दिखा रहा हूं, फिर मैं ये सारा कुछ हटा के आपको दिखाता हूं, जो एग्जिस्टिंग जो चलेगा npm स्टार्ट, इसका बेनिफिट एक और है, ये एज अ सर्वर काम कर रहा है। अब आप अपनी js फाइल में जाके चेंज करेंगे ये खुद रीलोड कर देगा आपके ब्राउजर को,
आपको जा जाके बार बार रिफ्रेश करने की भी जरूरत नहीं है। लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गई है, सस्ता कंप्यूटर है। नहीं, थोड़ा सा टाइम लेता है ये। लोकल हॉस्ट कॉलन 3000 पे ही आपकी एप्लीकेशन डिप्लॉय हो गई है, ये पेज ओपन हो गया। अच्छा, ये इसने बेसिक एक CSS लगा के और टेक्स्ट बेसिक डिस्प्ले कर दिया है, हमें ये सब चाहिए नहीं। हम क्या करेंगे, क्या कह रहे हैं, टू गेट स्टार्टेड एडिट SRC AppJS। आप आए अपनी AppJS में, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वेलकम टू रिएक्ट है ना, मैं इसमें आया, मैंने कहा वेलकम टू, चलानी रिएक्ट क्लास, और कंट्रोल एस करूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा। रीलोड हुआ, वेलकम टू चलानी, ठीक है। तो अब आप फॉरन ही आप जो है ना अप एंड रनिंग हो गए, एक बेसिक एप्लीकेशन आपके पास स्ट्रक्चर भी बन गया, सब कुछ मौजूद है, और यहां से हमने चेंज करना शुरू करना है। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब इसमें जो कुछ बीच में लिखा हुआ है ना वो मैं उड़ा देता हूं, वो मुझे नहीं चाहिए। ये समझ आ रहा है? क्या पोर्शन है आपका? कंपोनेंट है, उसमें रेंडर का फंक्शन है। रेंडर का फंक्शन क्या करता है? जब भी रिएक्ट को आपके किसी कंपोनेंट को यूआई पे रेंडर करना होता है, यूआई पे डिस्प्ले करना होता है, वो आपके कंपोनेंट का रेंडर का फंक्शन कॉल करता है। वो रेंडर का फंक्शन जो कुछ भी रिटर्न करता है वो आपकी यूआई में डिस्प्ले हो रहा होता है, जहां पे ये रिटर्न है। अब इस रिटर्न में मैंने लिख दिया, फॉर एग्जांपल एक डिव बनाया, हेलो वर्ल्ड, सेव किया, ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ। बेसिक यहां से स्टार्ट होता है। अब आपका जो पूरी एप्लीकेशन के अंदर जो कुछ भी आपने यूज करना होगा, ये रिटर्न के अंदर आप यहां पे, अच्छा एक मेन टैग होना चाहिए डिव, उसके अंदर आप सब टैग, चाइल्ड टैग जितने भी बना ले, लेकिन मेन पे एक होना चाहिए। दो डिव आप रिटर्न करने की कोशिश करेंगे, एरर आ जाएगा। यहां तक सिंपल है? कोई ऐसी चीज है? कोई मुश्किल चीज नहीं है? अच्छा, ये हो गया आपका बेसिक जब आप एप्लीकेशन खड़ी करेंगे। अब हमारे पास रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाने में क्या क्या चीजें, एक तो होता है आपके पास, आप मजीद यूआई बनाने जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स चीजें ऐड करने जा रहे हैं, तो आप छोटे छोटे अलग से कंपोनेंट बनाएं, ठीक है। दूसरी चीज होती है, कंपोनेंट तो हम सेकेंड स्टेज में आके बनाना चाहेंगे, दूसरी चीज होती है हमारे पास रिएक्ट के अंदर जो इनपुट और आउटपुट का तरीकेकार है वो क्या है, एक स्टेट होती है और एक प्रॉप होती है। स्टेट क्या चीज, प्रॉप्स क्या चीज है जी? एक्सटर्नली कहीं से पास होती है आपके कंपोनेंट को, तो वो प्रॉपर्टीज होती है। स्टेट क्या, कंपोनेंट के अंदर की होती है। अच्छा, यहां पे मुझे पहले प्रॉपर्टीज पे काम करते हैं, ठीक है। अब मेरा एक कंपोनेंट बन चुका है, उस कंपोनेंट को मुझे कुछ इनपुट देना है ताकि उस इनपुट की बेस पे वो अपने आप को रेंडर करे, ठीक है। अच्छा, कंपोनेंट कौन सा है मेरा? AppJS कंपोनेंट है, और ये कॉल कहां हो रहा है? इंडेक्स में, यानी कि यहां पे मुझे कुछ इंफॉर्मेशन देनी है। जिस तरह HTML का टैग होता है उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट होता है उसमें आप एट्रीब्यूट की होती है और वैल्यू होता है। की एट्रीब्यूट का नाम है, फॉर एग्जाम्पल H1 का जो टैग है उसमें आप एट्रीब्यूट लगा दें ID और उसमें वैल्यू पास कर दें। ऐप का कंपोनेंट मेरा है, मैं इसमें लगाना चाह रहा हूं एट्रीब्यूट नेम, सही है। मैंने कहा नेम इक्वल्स टू जिशान, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, कंपोनेंट को भी नहीं अपडेट किया मैंने, मैंने यहां पे लिख दिया नेम इक्वल्स टू जिशान। अच्छा, AppJS कोई कंपोनेंट में ऐसी कोई प्रॉपर्टी है? इसको मैं सेव करता हूं, क्या करेगा, एरर आएगा क्या? कुछ भी नहीं, कोई एरर भी नहीं है, क्यों? क्योंकि मैंने एक प्रॉपर्टी पास की है लेकिन उसको यूज नहीं किया है। अब मुझे इसको यूज करना है, कैसे करूंगा? ये मेरा app.js है, इसमें मुझे इस नेम की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है। कैसे एक्सेस करूं? कर्ली ब्रैकेट क्यों लिखना पड़ते हैं?
JSX में नॉर्मल जावास्क्रिप्ट लिखेंगे तब हमें नहीं करना पड़ता, जावास्क्रिप्ट जब भी लिखेंगे रिएक्ट में ये काम करना पड़ता है। रिएक्ट में जब भी है क्या चीज, आप लिख रहे हैं यहाँ पे HTML, अब HTML मौजूद है, अब हर चीज, अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ दिस डॉट प्रॉप्स नेम, क्यों, क्योंकि वो तो समझ रहे आप टेक्स्ट लिख रहे हैं। उससे बताना पड़ेगा ना कि मैं यहाँ जावास्क्रिप्ट लिखना चाह रहा हूँ, उसे बताना पड़ेगा कि ये नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, ये HTML का पार्ट नहीं है, इसमें मैं जावास्क्रिप्ट से अपने कंपोनेंट की कोई प्रॉपर्टी यूज करना चाह रहा हूँ। तो वो इंफॉर्मेशन देने के लिए आपको जो है स्क्रिप्ट के यहाँ पे टैग बताने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये स्क्रिप्ट का टैग है या इसमें जावास्क्रिप्ट लिखी जा रही है, आपको कर्ली ब्रैकेट लगाने पड़ते हैं, ये रिएक्ट में हमें करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, इससे पहले कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे और इसके अच्छा अगर मैंने डिप शुरू ही नहीं किया होता, ये जरा कॉपी करो ऊपर this dot prop dot name और डिप से पहले यहां इसकी जगह ये लिखा होता, फिर क्या होता, कर्ली ब्रैकेट नहीं डाले होते। चलो देखें, App dot render a valid React element or null must be written. You must have written undefined an array or some other invalid objects. सही है वो इसको? अच्छा अगर मैं ये करूं कि यहां करूं var a is equal to ये कर दूं? ये रेंडर से पहले ही लिख दूं? रेंडर या रिटर्न से पहले? हाँ रिटर्न से पहले, सही है। और यहाँ पे डिव डाल के ए लिख दूं? ये चलेगा? तो ये कर्ली ब्रैकेट में डालूं? अब देखें क्लियर हो गया? आगे चले भाई। तो अच्छा ये हम क्या कर रहे हैं, किसी भी कंपोनेंट को, किसी भी एलिमेंट को, अच्छा रिएक्ट में हर चीज कंपोनेंट बेस्ड होगी, तो आप कोशिश करेंगे जो भी आपका कोड होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए बेस्ड ऑन कंपोनेंट। आप जो भी अपनी एप्लीकेशन बना रहे हैं उसमें छोटे छोटे कंपोनेंट होने चाहिए, रीजनेबल। ऐसा ना हो आपने एक टेक्स्ट फील्ड के लिए एक फॉर्म बना रहे हैं साइन अप का, उसमें चार टेक्स्ट फील्ड है तो चारों के लिए अलग कंपोनेंट बना दिया, मसला हो जाएगा। एक ही कंपोनेंट हो उसमें चारों फील्ड आ रही हो, लेकिन इतना होना चाहिए ग्रेनुलर, इतना भी नहीं हो जाना चाहिए कि वो अच्छा। तो प्रॉपर्टीज आप यूज करेंगे अपने कंपोनेंट को एक्सटर्नल कंपोनेंट से इनपुट पास करने के लिए। तो यहां पर हमने क्या किया कि इंडेक्स जो जेएस में अपने कंपोनेंट को इनपुट पास किया नेम, ठीक है, उसमें कोई वैल्यू पास की है, वो वैल्यू हमने यहां पे यूटिलाइज कर ली। इसमें कोई कंफ्यूजन है? अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो दिस डॉट प्रॉप है, हम एक छोटा सा यूआई बना लेते हैं जिसमें दो तीन फील्ड्स हों। अच्छा इससे पहले काम करते हैं कंपोनेंट और बना, एक कंपोनेंट और बना लेते हैं, हम एक कंपोनेंट और बनाते और उसको यहां पे यूटिलाइज करेंगे, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि खुद से, अभी तो ऐप डॉट जेएस पहले से बना बनाया था, तो एक कंपोनेंट खुद बनाने जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? एक काम करो, अभी आज हमें यूआईटी ने ना बड़ी जबरदस्त बिरयानी खिलाई। जी कैसे खिलाई थी? बहुत अच्छी जबरदस्त।
तो बिरयानी कंपोनेंट बना दो, बिरयानी कंपोनेंट। अच्छा अभी मैं स्ट्रक्चर पे नहीं आ रहा, वरना यहाँ पे या कर लेते हैं। एक जो है कंपोनेंट का फोल्डर बना रहा हूँ मैं। क्या ये सीएलआई नहीं करता? ये सीएलआई नहीं करता, सीएलआई ये करके नहीं दे रहा। तो हमें जो है ये कंपोनेंट का फोल्डर बना लेता हूँ मैं, और अपने जो भी कंपोनेंट बनाऊंगा उस कंपोनेंट के फोल्डर में बनाऊंगा। एसआरसी में आके बिरयानी कॉम करके नाम रखने रोक जो करके आपने। असल में आपको उस तरफ मैं चाह रहा था कि थोड़ी रिएक्ट पढ़ ले फिर आते हैं। आपके जो रिएक्ट में कंपोनेंट्स बनाने का जो तरीके कार है, एक होते हैं कंटेनर कंपोनेंट, एक होते हैं कंपोनेंट, एक होते हैं प्रेजेंटेशनल कंपोनेंट और एक स्मार्ट कंपोनेंट। मैं मिक्स तो नहीं कर रहा? हाँ, नहीं, नहीं, सही है, सही है। उसमें ये आपके जो डम कंपोनेंट होते हैं और एक स्मार्ट कंपोनेंट। डम कंपोनेंट आपके वो होते हैं जो कि बिजनेस लॉजिक रिडक्स से सर्वर से वो बात नहीं करते, वो कंटेनर कंपोनेंट होते हैं, उनसे इनपुट रिसीव कर रहे होते हैं और वो इनपुट के ऊपर चल रहे होते हैं और लॉजिक चलती है। एक होता है कंटेनर, जैसे ये आपका जो कोड स्टूडियो पूरा ये कंटेनर है, इसमें ये प्रोजेक्ट का विंडो जो है ये कंपोनेंट है, ये मेन डिव जो है ये कंपोनेंट है। अब आपने एक मेन कंटेनर कंपोनेंट बनाया, वो सर्वर से बात कर रहा है, बाकी बीच में दो कंपोनेंट है, तो हम वो बना के जो है ना आगे चल के देखेंगे। अच्छा ये मैंने एक बिरयानी कंपोनेंट बनाया। अच्छा ये बताया आप में से कितने लोग हैं जिनको बिरयानी नहीं पसंद है? नहीं पसंद? एक आदमी भी नहीं है? एक है सर, वो उठा रहा है। एक है कोई जिसको बिरयानी नहीं पसंद? यार ये कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहा, कहने का अब मेरा गेम यही था, मैं पूछता कि किसको नहीं पसंद है जिन्होंने हाथ गया कहता कि आपको नहीं खिला रहा भाई। यार किसी ने कड़ाई नहीं किया। अच्छा इस वक्त मैं इनिशियली क्या कर रहा हूँ, ऐप कंपोनेंट को कॉपी करके, क्योंकि मेनली मुझे ये दोनों चीजें तो चाहिए। इसका नाम मैं रख देता हूं और यही चीज जो है एक्सपोर्ट हो जाएगी। अब हमने एक कंपोनेंट के फोल्डर में बिरयानी कंपोनेंट और जेस बना लिए। इसमें हमारे पास इसका रिटर्न भी है, रेंडर भी है, एग्जैक्टली वही है जो हमने ऐप जेस के अंदर किया था। एक्सपोर्ट भी हमने इसको किया है, तो हमारे जितने भी आगे चल के कंपोनेंट बन रहे होंगे बेसिक स्ट्रक्चर यही होगा, उसमें फिर हम मजीद चीजें ऐड करते चले जाएंगे। अच्छा अब मैं चाह रहा हूं इस बिरयानी कंपोनेंट को ऐप कंपोनेंट के अंदर यूज करूं। फॉन्ट इंक्रीज कर, असल में इसमें फॉन्ट का मुझे पता नहीं, फिर पूरा टूल साइज बढ़ता है। अच्छा अब हम आ जाते हैं app.js में। अच्छा यहां पे अब मैं चाह रहा हूं ये डिव के अंदर एक पहले तो नाम डिस्प्ले हो रहा है और उसके नीचे में बिरयानी कंपोनेंट बनाना चाह रहा हूं। मैं आया डायरेक्टली लिखना शुरू कर दिया, मैंने नाम में स्पेल में गड़बड़ कर दी। चल जाएगा, फेल टू कंपाइल यहां पे भी आ रहा है और ये आपको प्रॉपरली एरर भी बता रहा है। क्या एरर? बिरयानी कंपोनेंट इज नॉट डिफाइंड। कहां पे? app.js में लाइन नंबर 11 पे। सारी डिटेल आपके पास आ रही होती है, लाइन नंबर 11 पे कह रहा है बिरयानी कंपोनेंट मुझे नहीं मिल रहा। अब मैं क्या करूं? इंपोर्ट कैसे करें? इंपोर्ट No,
.component/ जहां पर भी आपकी, अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है, ये देख रहे हैं यहां पे कर्ली ब्रैकेट से इंपोर्ट किया गया है, यहां पे डायरेक्ट इंपोर्ट किया हमने। जब भी आपकी जो भी कंपोनेंट होता है, आप अगर उसको एक्सपोर्ट एज अ डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो वो एक डिफॉल्ट एक्सपोर्ट यानी कि डायरेक्टली जब आप इंपोर्ट करेंगे तो वो डायरेक्टली अवेलेबल होगा, तो उस वक्त आपको कर्ली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। लगा लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, समझेगा ही नहीं ये। आप क्या करें, अगर आपका डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं है तो ये विदाउट कर्ली ब्रैकेट चलेगा, अगर आपका डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा और मल्टीपल एक्सपोर्ट्स मौजूद होंगे तो फिर आप कर्ली ब्रैकेट लगा के मल्टीपल आइटम्स को एक्सेस कर सकते, एक से ज्यादा चीजें जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो फिर आप कर्ली ब्रैकेट लगा के, अभी आपको जरूरत नहीं है। अभी वहां पे डिफॉल्ट बना हुआ दिखा, अभी डिफॉल्ट बना हुआ है, सही एक्सपोर्ट्स डिफॉल्ट बिरयानी का जी। सर एक चीज आपने कही थी प्रोजेक्ट में कि जहां कंपोनेंट्स जो आपने बनाए हैं वहीं पर ही हैश और बेस बनाए, वो ऐसा ऐसा ना, ऐसा ऐसा इन कंपोनेंट बढ़ेंगे हमें प्रॉब्लम नजर आएगी तो उस पे आऊंगा। सही है, अब अगर जाके नहीं देखें ये रिएक्ट के अंदर ही से रिएक्ट भी निकाल रहा है और कंपोनेंट भी निकाल रहा है, क्योंकि रिएक्ट इसके अंदर डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हुआ हुआ और बहुत सारे कंपोनेंट उसके अलावा भी एक्सपोर्ट हुए हैं इसी के मॉड्यूल में से, तो आप एक डिफॉल्ट और बाकी नॉर्मल एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं ना। बात समझ आ रही है, सिंपल सी बात है, आप का जो भी मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल है ना एक तरीके से, जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें से आप एक चीज एक्सपोर्ट कर सकते हैं एज अ डिफॉल्ट यानी कि वो डायरेक्टली अवेलेबल होगी, और आप चाह रहे हैं कि उस मॉड्यूल में से और भी बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट हो रही हैं तो वो नॉर्मल एक्सपोर्ट कर लें सिर्फ एक्सपोर्ट लिख के, तो वो कर्ली ब्रैकेट के थ्रू आपको एक्सेस करने को मिलेंगी और जो डिफॉल्ट होगा वो विदाउट कर्ली ब्रैकेट मिलेगा, सिंपल। बात समझ आ रही? अच्छा अब देखिए, मैंने ए के नीचे यहां पे बिरयानी कंपोनेंट लिखा है और ये डिस्प्ले डायरेक्ट आ गया, तो अब हमारा हायरार्की क्या है? हायरार्की अगर आप देखें तो आपका सबसे पहले इंडेक्स डॉट जेएस में ये ऐप चल रहा है, इस ये जब ऐप कंपोनेंट चलता है तो ये रेंडर करता है क्या डेव, उसके अंदर ए और वो बिरयानी कंपोनेंट। अब ये बिरयानी कंपोनेंट रेंडर होने जाता है तो ये क्या करता है, अपने अंदर एक डेव है और बिरयानी कंपोनेंट। अब आपके पास एक स्क्रीन पे अगर मल्टीपल कंपोनेंट्स होंगे तो आप एक से ज्यादा कंपोनेंट्स बना बना के उसमें ऐड कर सकते हैं, क्लियर है? अच्छा अब इस बिरयानी कंपोनेंट को मुझे कोई इनपुट देना है, कैसे दूंगा? सर आप तेज मसाला खाते हैं, चलो कर दो। सही है, अब हम क्या कर रहे हैं कि बिरयानी कंपोनेंट को नहीं रायता कर दो, विद रायता। विद रायता क्या चीज? नहीं विद कर दो ताकि कुछ भी हो सके ना, कोरमा भी कर दें कुछ भी, विद कर दो और उसके अंदर रायता डाल दो। ओ। क्या चीज? नाम चेंज करा दो। अच्छा विद में हमने कर दिया, अभी रायता कर दिया, ठीक है। अब ये हमने इसमें पास कर दिया, इसको हमें एक्सेस करना है, अब ये तो वो टेक्स्ट है जो आपने खुद लिखा है, और क्या आया विद रायता आया, तो यहां पे विद में आप रायता पास करेंगे तो रायता आ जाएगा। अब वहां जाके ये कर दो विद एक्स्ट्रा आलू। विद रायता एंड एक्स्ट्रा आलू कर दे। जब तक रिएक्ट नहीं आएगी कोई खाना नहीं मिलेगा। ये ठीक है, तो
प्रॉप्स क्या है, किसी भी कंपोनेंट को जब एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन मिलती है वो दिस डॉट प्रॉप्स में अवेलेबल होती है। किसी कंपोनेंट के बाद जब भी इनपुट आएगा वो किस सूरत में हमें अवेलेबल होगा, दिस डॉट प्रॉप्स में। ये यहां पर हमने दिस डॉट इसमें पास किया और ये यहां पे हमें एक्सेसिबल हो गया। क्लियर है ये चीज, कोई कंफ्यूजन है इसमें? ठीक है। अब हम स्टेट पे एक काम करो, इतनी देर में ये बंद करके नया स्टार्ट दबा दो ताकि वो वीडियो का वरना बहुत बड़े साइज हो जाएगा, साइज बड़ा हो जाएगा। स्टॉप कर दो।